सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इच्छावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। भारत जोड़ो यात्रा एवं विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय कम्युनिटी हॉल बस स्टैंड पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सैयद साजिद अली एवं विशेष अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवीर तोमर की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुई, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे बने पूरी रणनीति विस्तार से बताई। यही नहीं, श्री वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुरूपिया शब्द कहकर किसानों के विरोधी बताते हुए नौजवानों के साथ धोखा किया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंदौर में बेरोजगार नौजवानों ने FIR तक के आवेदन दिए। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले युवाओं से 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया, वहीं बेरोजगार के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने वादे नहीं निभाए। हाँ, यह जरूर है कि देश के 2 उद्योगपतियों के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से जहूर मंसूरी की रिपोर्ट। भाई साहब, जो आज विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें क्या उद्देश्य थे? आज तो बड़ा विस्तृत विषयों पे आज का हम कार्यकर्ता का सम्मेलन, राहुल गांधी मिशन 2023-2024 और किसान की बात, पूरा देश महंगाई से जूझ रहा उसकी बात, आज इन सारे विषयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं हम अलग अलग जवाबदारी दे रहे हैं। मंडलम सेक्टर तक के लोगों को अंदर जाके जवाबदारी दे, और हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। जो वातावरण पूरे देश में, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस समय बना, निश्चित रूप से भारत देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी की भाजपा की नीतियों से त्रस्त हो गया है, इनके झूठ से भयानकतम परेशान है, छलावे वाली राजनीति से भयानकतम परेशान है। आज रुपया, जब कांग्रेस की सरकार थी बड़ा मजाक उड़ाते थे, आज रुपया इतने नीचे गिर गया है कि नरेंद्र मोदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस रुपये पे महात्मा गांधी का फोटो छपा है, जान करके तुम उसे इतना गिरा रहे हो कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत की करेंसी इतनी कमज़ोर कभी नहीं रही। कई बातें हैं इस भारत के फिजाओं में, एक ऐसा धीमा धीमा जहर घोल दिया नरेंद्र मोदी ने, हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का। ये मन की बात करता कभी मेरे देश के करोड़ों करोड़ नौजवानों के रोजगार की बात नहीं करता। आप मानते 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? 2% बन रही है। आम जनता ने मन बना लिया कि ये चोरों ने जो खरीद फरोख्त करी थी बॉर्डर पे थी हमारी सरकार, इस बार इतनी बम्पर मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बनाएगी, ये चोर भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद नहीं पाएगी। एक बात और, वैसे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसके आष्टा जिले में सिविल अस्पताल है, जहाँ डॉक्टर शुभम दलोजिया मैडम है, जो बगैर पैसे लेके कोई काम, डिलीवरी और काम नहीं करती। मैं क्या कहूँ, शिवराज चौहान इस योगी नहीं कि मुख्यमंत्री रहे, उसके जिला सबसे बुरी अवस्था में है। हॉस्पिटल, लोगों ने इसका नाम कर दिया है रेफर हॉस्पिटल, कोई भी मरीज आए रेफर कर दो तो भोपाल कर दो या इंदौर कर दो, रेफर हॉस्पिटल है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तो जनता इन्हीं बातों को तो जवाब शिवराज सर मुझे सुनाने को। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।